अभी हम मौजूद हैं हायाघाट प्रखंड क्षेत्र। यहाँ पर लगभग कई एकड़ में सब्जी की खेती हो रही है और यहाँ के किसान कई तरह के खेती यहाँ कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यह किसानों को यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए कितनी समस्या और परेशानी होती है, आज उस पर हम विस्तृत जानकारी लेंगे यहाँ के किसान से। ये कब से यहाँ आप सब्जी की फसल कर रहे हैं? 3 साल से कर रहे हैं सर। बहुत लगत लग रहा है, मुआवजा नहीं ऊपर हो रहा। अपना खेती नहीं है, मनखब खेती जोत रहे हैं, दूसरा मुआवजा उसको दे रहे हैं। रौदी हो गया, देखते हैं बहुत परेशानी हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है इसमें? दिक्कत इसमें हो रहा है, पानी नहीं टाइम पर मिल रहा है। पानी बहुत दूरी से आता है, दवा बीरो देते हैं। गाछी वृक्षी है बगल में, नील गाय बहुत उपद्रव करता है। बनैया जो होता है, बनैया जो शुगर बोलता है, उस बहुत उपद्रव कर रहा है। नील गाय खाता है, रात को गरते हैं, दोनों व्यक्ति सो रहते हैं, खोपड़ी झोपड़ी बांधे हुए हैं उसमें। लगभग 2-3 एकड़ में यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं घिउरा का, घिउरा है, भिंडी है, इधर करेला हो गया। तो घिउरा का अभी रेट क्या चल रहा है, कैसे बेचते हैं आप? अभी घिउरा का रेट, कोई सब्जी का सब दिन सब रेट होता है, कभी 15 कभी 20। अभी क्या चल रहा है घिउरा का रेट? अभी 25 रुपए चल रहा है। यहाँ से आप खुद से लेके जाते हैं या फिर बाहर से पैकर यहाँ आते हैं लेकर के जाते हैं? यहाँ से ले जाते हैं, बाहरों से पैकारी लाते हैं तो 20-25 बेचते हैं। क्या नाम हुआ? हमको हुआ नूरजहान खातून। अच्छा, रोजाना कितना इसमें से घिउरा निकलता होगा? अभी अभी तो 8-10 रोज से फर रहा है, कभी 20 किलो निकल गया, कभी 30 किलो, कभी 40 किलो, अभी तो शुरू हुआ है फरना का ही निकलता है। यहाँ जो सब्जी किसान है, यहाँ पे लगभग 1 सप्ताह पहले से घिउरा फरना शुरू हुआ है और 30 किलो 40 किलो के लगभग में अभी घिउरा निकल भी रहा है, 25 रुपए केजी बेच भी रहे हैं। लेकिन सबसे यहाँ पे जो परेशानी है इन किसानों की कि यहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा किल्लतें हैं और साथ में नील गाय के अलावा जंगली सुगर जो होते हैं इनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जिसकी व्यवस्था अभी तक कहीं से भी ये लोग नहीं कर पाए हैं या फिर स्थानीय स्तर पे भी नहीं हो पाया है। किसी भी तरह से ये फसल को तैयार करते हैं और जैसे तैसे इसे मार्केट में बेचते हैं और इसी से इनका परिवार भी चलता है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।